दोस्तों देखिए फाइनली देखिए पाकिस्तान को करीब 14 गेंदों करीब 3 रन चाहिए और जीत जाएगा पाकिस्तान आराम से, यहां से नहीं हारेगा अब तो। और जो सेकंड सेमीफाइनल का जो टिकट कटेगा सेकंड टीम का इस ग्रुप सेकंड से वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से आज पाकिस्तान का लक चला है यहां पर उसी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। अदरवाइज पाकिस्तान जिस प्रकार क्रिकेट जिस प्रकार का वे खेला है, इंटेंट दिखाया, पॉजिटिविटी दिखाया, उससे तो काफी मुश्किल था पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर भी लक फेवर किया पाकिस्तान का। और जिस प्रकार लास्ट मुकाबले पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका हराया था वहां से एक मोमेंटम हासिल किया था, लेकिन आज आज भी कुछ खास क्रिकेट खेला नहीं पाकिस्तान ने। 100 बॉलिंग तो जबरदस्त हुई पाकिस्तान के, थ्रू आउट टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग किया पाकिस्तान ने, लेकिन बैटिंग ने पाकिस्तान के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। आज भी देखिए बाबर आजम रिजवान ने जिस तरह से पावर प्ले का यूज किया, जिस तरह आगे यूज किया, मिडिल ऑर्डर फिर से प्रेशर डाल दिया था, लेकिन वो तो मोहम्मद हारिस जो एक न्यू सेंसेशनल न्यू टैलेंट है पाकिस्तान का, जबरदस्त टैलेंट है, उसने आके 28-30 जो जबरदस्त बनाया है 15-16 गेंदों पे, उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हो गया पाकिस्तान का। लेकिन अदरवाइज एक समय ऐसा करते काफी फर्स्ट के पाकिस्तान खेला था, काफी दिक्कतों में पाकिस्तान खेला था, क्योंकि मोहम्मद रिजवान वही प्रॉब्लम 32 गेंदों 32 रन, उसके बाद देखिए बाबर आजम 33 गेंदों 25 रन, जिसके बाद काफी प्रेशर बिल्डअप होता है जो नेक्स्ट आने वाले बैट्समैन होता है पहला दूसरा, लेकिन मोहम्मद हारिस एक ऐसा बैट्समैन है जो निडर है, जो फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, जो निडर होकर क्रिकेट खेलता है, जो पॉजिटिविटी के साथ खेलता है, जो इंटेंट शो करता है ग्राउंड में आकर। मोहम्मद हारिस देखिए मैं मोहम्मद हारिस की बात करता हूं, मैं पीएसएल में उसको देखा था तभी मैंने उसको कहा था मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा टैलेंट है। और देखिए कुछ खास बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है कि मतलब कि बहुत तगड़ी बॉडी है, लंबे छक्के, लेकिन पतला दुबला है, लेकिन जिस प्रकार से छक्के मारता है आज भी जिस तरह छक्के मारा वो कमाल का था। तो इससे एक पॉजिटिविटी मैसेज जरूर जाएगा पाकिस्तान टीम में, और पाकिस्तान को बहुत बहुत बधाई जैसे भी पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल टिकट कटा लिया ऑलमोस्ट। देखिए जिस प्रकार से आज साउथ अफ्रीका हारी है न्यूजीलैंड से, वहां से बहुत कुछ चीजें इजी हो गई, इंडिया आराम से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड कर गया बिना मैच के लिए, जिम्बाब्वे से बिना हार जीते। उसके बाद देखिए पाकिस्तान भी मतलब कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो भी जीता वो सेमीफाइनल खेलता, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश ने आज शुरुआत अच्छी हुई, बैटिंग टॉस जीत के पहले बैटिंग किया, जो अच्छा निर्णय था शकीब उल हसन करने के। देखिए शकीब उल हसन जिस प्रकार से आउट दिया, एक कंट्रोवर्सियल अंपायरिंग की गई आज, और मुझे लगता है कि आउट नहीं, नॉट आउट था वो, लेकिन जो फील्ड अंपायर ने आउट दिया था उसी डिसीजन को कैरी फॉरवर्ड कैरी ऑन किया, थर्ड अंपायर ने भी उसको भी आउट दिया, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि बदल सकते कि स्पष्ट दिख रहा था कि बैट से बॉल लगी हुई है, तब जाके पैड पे लगी, साफ दिख रहा, स्पष्ट दिख रहा, सबको ये दिख रहा था, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, ये तो थर्ड अंपायर डिसीजन कभी कभी बॉलर के फेवर चला जाता है, कभी बैट्समैन के, तो आज बॉलर के फेवर चला गया, और मुझे लगता है कि बॉलर काफी मेहनत करते हैं, फेवर में जाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हुई आज, और पाकिस्तान फाइनली पहुंच गया सेमीफाइनल के लिए। देखिए बहुत अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान ने नहीं खेली, जिम्बाब्वे जिस तरह हारा, इंडिया हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखिए इंडिया इक्वल टीम है तो वहां हारना कोई, लेकिन जिस प्रकार जिम्बाब्वे से खेला, नीदरलैंड से जिस प्रकार क्रिकेट खेला, वो आज भी जिस प्रकार क्रिकेट बांग्लादेश से खेला, कुछ देखिए एक होता है हार्ड क्रिकेट खेल के पहुंचना फाइनल में, एक होता है आपने बहुत ही कंजूसी के साथ बहुत ही डरे डरे सहमे सहमे होकर क्रिकेट खेला, उस तरह क्रिकेट खेला है पाकिस्तान ने, सेमीफाइनल की जरूर क्वालिफाइड कर गया पाकिस्तान। बाई लक भी कहूंगा कि इसमें केवल सब खेल ही शामिल नहीं है, इसमें पाकिस्तान का लक बहुत ज्यादा फेवर कर गया, जिस प्रकार से पाकिस्तान बॉलिंग तो बहुत जबरदस्त, नो डाउट बॉलिंग तो बहुत अच्छी किया, साइंस अफरीदी हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, और उसके बाद देखिए नसीम शाह हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, सबने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। सद्दाफ खान का नाम ना ले तो उसमें बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि सद्दाफ खान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो 2 लगातार विकेट लिए वहां से गेम चेंज किया, आज भी बांग्लादेश बहुत अच्छे स्कोर चल रहा था 1 विकेट गिराकर, लेकिन जिस प्रकार से आता 2 विकेट आउट किया वहां से काफी कुछ चेंज हुआ, पाकिस्तान के हक में चला गया। तो सद्दाफ खान बैटिंग के साथ और अपनी बॉलिंग के साथ कमाल की प्रदर्शन कर रहा है, तो सद्दाफ खान को बहुत बहुत मुबारक। फील्ड में भी जिस तरह से पॉजिटिव इंटरेस्ट शो करता है, जिस प्रकार से पॉजिटिव वे में रहता है, तो तमाम चीजें पाकिस्तान के हक में गई और आज पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया। देखिए जो ग्रुप डू से इंडिया क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए साउथ को हारते ही, और अब पाकिस्तान ने भी क्वालिफाई कर लिया, तो ये समझिए कि देखिए उधर से देखिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड हो गई और पाकिस्तान इंडिया हो गई, तो बहुत कुछ फैंस आज लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जो मेलबर्न ग्राउंड में
13 नवंबर को भारत वर्सेस पाकिस्तान हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, बहुत ज्यादा चरम पे एक्साइटमेंट होगी, जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगी उस एक्साइटमेंट की। तो देखिए बहुत बहुत बधाई पाकिस्तान को। इसी उम्मीद से मित्र, ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब के, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बाय, टेक केयर।